हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के हम वीडियो में बात करेंगे 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 7 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये होता क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें किस किस चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग करते ये हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन अ सेकेंड्स यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीफोन, लाइक इंटरनेट। वी विल टॉक इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान, इन सेकेंड्स वी विल डिलीवर आवर मैसेज टू द अदर्स। हम लोग बहुत आसानी से जो है ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं यूजिंग टेलीफोन, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेस पर ही बना है। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वी विल सेंड ईमेल्स, वी विल मेक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद अदर पीपल्स आउटसाइड द पाकिस्तान एंड इनसाइड पाकिस्तान, लाइव चैट्स विद अदर्स एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू इंटरनेट। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग ट्रैवल करवा सकते हैं, वी विल सेंड आवर लार्ज डॉक्यूमेंट्स डैट इन पोस्ट डिलीवर इन मैनी डेज थ्रू पोस्ट। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो हमें पहुँच रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पहुँच रहा है। तो बेसिक हम लोग पहले तो जो कंपोनेंट हैं जो बेस्ड करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें हार्डवेयर चाहिए होगा। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द मशीनरी, दे इंक्लूड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्टिंग पार्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें एक सीपीयू यूज़ किया जाता है, सीपीयू के साथ मदरबोर्ड, उसकी रैम, उसका हार्ड ड्राइव और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इसके साथ वो हार्डवेयर में ही इंक्लूड होते हैं। अगर हम सेलफोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारे पास एक प्रोसेसर यूज़ होता है, हमारे पास उसमें एक मेमोरी होती है, उसमें रैम यूज़ की जाती है और मैनी मोर जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू द सीपीयू वो हार्डवेयर के पोर्शन में आती हैं। सॉफ्टवेयर में हम लोग कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करते हैं, विंडोज़ इटसेल्फ एज सॉफ्टवेयर, और विंडो के अंदर हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब टेलीफोन की अगर बात की जाए, मोबाइल फ़ोन की बात की जाए, उसमें हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, ईमेल के सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे पास यूज़ होते हैं, और मुख्तलिफ कॉलिंग सॉफ्टवेयर हम लोगों ने स्काइप वगैरह के तौर पर जो है वो स्काइप, ईमो, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग के लिए भी जो है यूज़ करते हैं, हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। डाटा में आप लोगों की फाइल्स हो सकती हैं, आप लोगों के पिक्चर हो सकते हैं, आप लोगों की और मुख्तलिफ टाइप ऑफ डाटा आप लोगों का हो सकता है जो आप लोग पहुँचाना चाह रहे हैं दूसरों तक। उसके अलावा प्रोसीजर में आता है दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स डिज़ाइन टू यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोसीजर में वो रूल्स, वो डिज़ाइन जो उन्होंने बताए हैं किस तरीके से हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है, किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना है, किस तरह से हम लोगों ने मेल भेजनी है, कॉल डायल करनी है, किस तरह से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, बेसिकली वो हमारे पास प्रोसीजर आते हैं। उसके बाद पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड इंटरनेट सिस्टम। इसमें आप लोग, जाहिर सी बात है, कोई इंसान होगा तो वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, रिसीव करेगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
सेकंड हमारे पास आता है जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग इंफॉर्मेशन किस तरह से जो है वो भेजेंगे। फर्स्ट हम लोग इनपुट सिग्नल जनरेट करेंगे। अगर हम लोग किसी को अपना मैसेज कोई ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, हम लोग अपना इनपुट सिग्नल ट्रांसमीटर को सेंड करेंगे। ट्रांसमीटर आगे उसको ट्रांसमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन चैनल को भेज देगा। ट्रांसमिशन चैनल जो कि उसकी नॉइज़ और इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन को उससे बचाते हुए उसको आगे रिसीवर सिग्नल की तरफ भेजेगा, और वहाँ से वो रिसीवर को रिसीव होगी, और रिसीवर से हमारा जो है सिग्नल आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा जो कि हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। ये हमारा बेसिक एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें किसी भी जगह पर जो कोई भी चीज़ सेंड करने के लिए, मेल वगैरह सेंड करने के लिए जो हमें जिसकी ज़रूरत होती है।